लेट्स नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. द फर्स्ट पॉइंट इज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. इसका मतलब ये है कि हमारे अर्थ में जितने प्रकार की जो वैरायटी होती है प्लांट और एनिमल में, उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर इज अ प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसका मतलब ये है कि नोमेनक्लेचर एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है जिनमें हम एक ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर नेम देते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब ये है कि हम ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टर्स होती है वो आइडेंटिफाई करते हैं और डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करते हैं ताकि हमें उसको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज नेम देने में आसान हो. ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें वो कुछ प्रिंसिपल और क्राइटेरिया फॉलो करके प्लांट की साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं. उसी तरह एनिमल में ICZN साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होती है बायोलॉजिस्ट फॉलो द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम नोन एज बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. इसका मतलब यह है कि बायोलॉजिस्ट कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के लिए, उसे हम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर बोलते हैं. लेट्स नो अबाउट सम पॉइंट रिलेटेड टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर. इट रेफर्स टू द नेम विद टू कंपोनेंट. इसमें दो कंपोनेंट होता है. फर्स्ट वन इज जेनेरिक नेम एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट. द इट इज प्रपोज बाय कार्लस लिनायस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर. पॉइंट वन, जेनरली लैटिन वर्ड एंड रिटन इन इटैलिक फॉर्म, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन. पॉइंट टू, फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड सेकेंड वर्ड इज नॉन एज स्पेसिस. पॉइंट थ्री, वेन हैंड रिटन वी शुड राइट सेपरेटली एंड अंडरलाइन एंड वेन वी प्रिंट एट वी शुड फॉलो द इटैलिक फॉर्मेट. द पॉइंट फोर विच इज जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड स्पेसिस स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर. द पॉइंट फाइव इज name of the author appearance after the specific epithet. For example, Mongifera indica lean. Lean is denoted to the author name which is Carlos Linnaeus and who is the first describer of this plant. Next point is classification. Classification is a process by which anything is grouped into a convenient category based on some easily observable categories. The scientific name of the category is called taxon. For example, plant, animal, mammals, dog, cat, everyone is a form of taxa but in different level base. Next is taxonomy. The characterization, identification, classification and nomenclature of organism is known as taxonomy. Modern taxonomy study is based on external and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information. The next point is systematics. Evolutionary relationship between organism is known as systematics. It is derived from Latin word systema, which means arrangement of organism. The Linnaeus used the systema nature as the title of his publication.